तबीयत कैसी है अम्मा? मैं ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो। तुमने ख्याल रखा था ना रात को अम्मा का? हाँ, बस थोड़ा मसाज किया था। मामी को बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनका मसाज करती हूँ, है ना मामी? थैंक अच्छा, ये यू। तो खाएं। ये मैंने आपकी बीपी के हिसाब से सैंडविच बनाए। मिर्चें नहीं डाली हैं इसमें, सिर्फ काली मिर्चें, अच्छे लगेंगे आपको। खा के देखे ना। देख रही हैं अम्मा, इसकी इस आदत मंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसी होनी चाहिए बीवी अम्मा। जिसका काम हस्बैंड को संभालना हो, सब घर वालों का ख्याल रखना हो, घर बनाना हो। और मेरी बीवी में वो सारी क्वालिटीज हैं। आपको पहले सोफिया मेरी बीवी के तौर पे अच्छी नहीं लगती थी ना? पर देख रही हैं आप, आपके दिल में घर करने के लिए कितनी कोशिशें कर रही है ये। अब बताएं, ऐसी बीवियों का क्या फायदा जो जिनको बस सजने सवर ने गाड़ी निकाल कर कभी यहां जाने कभी वहां जाने के अलावा कोई काम ही ना हो। वैसी कोई बहू हो तो क्या ख्याल रखेगी आपका? सोबी, यास्मीन को गए हुए काफी दिन हो गए, कब आएगी वापस? उनको तायाबू ने रोक लिया था, कुछ दिन वहां रुकेंगी फिर आ जाएंगी। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं। अम्मी ने भी कॉल की थी, पूछ रही थी आपका। मैं इनफैक्ट घर जा रही हूँ, अगर आप कहें तो अम्मी को ले आऊँ आपसे पे, वो आपका चेकअप भी कर लेंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा।
सबके सब ड्रामे हैं बस। इसकी असली इंटेंशंस क्या है ना अम्मा, अच्छी तरह समझता हूं मैं। बस आपके सामने प्रिटेंड करने लगती है। नजर पड़ गई तो हाल पूछने आ गई। तुम कहना क्या चाह रहे हो हारिस, मैं समझी नहीं। अम्मा आप बहुत मासूम हैं। आप अभी तक ये सिंपल सी बात नहीं समझ पाई कि हुरम शादी करके इस घर में क्यों आई है। वरना उसको तो बहुत अच्छा लड़का मिल सकता था। एटलीस्ट कादिर से तो हजार गुना अच्छा लड़का मिल सकता था उसे। अम्मा ये कादिर को आपसे छीनने के लिए आई है। मैं शुरू से इसकी इंटेंशन समझ गया था। हारिस प्लीज फजूल बातें मत कर। मैं फजूल बात नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं मैं। ये कादिर को हमसे, खास तौर पे आपसे छीनना चाहती है। ये कादिर को लेके अलग हो जाएगी अम्मा। और महमूद साहब का कोई बेटा तो है नहीं, वो यही चाहते हैं कि बस कादिर उनका राइट हैंड बन जाए। मैं तो बनने से रहा, इसीलिए ना उस पूरे घर ने कादिर को घेरा हुआ है।